इस जिंदगी में यूं तो हजारों ऐसे किस्से होते हैं जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आती है, जब हम दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं और सामने वाला तब भी हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं समझता। दोस्तों, अपनी ही इज्जत खो देना कई बार हमें बहुत बुरी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देता है। अपने आप को ऐसा कभी मत बनाओ कि कोई तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी खुशी से खेल कर चला जाए। जिस दिन भी आप खुद की इज्जत समझोगे, ये दुनिया ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करने शुरू कर देगी। आपका अपनी नजरों में ही खुद को इग्नोर करना दूसरों को ये बोलने का मौका देता है कि आप किसी चीज के लायक नहीं हो या आपके साथ ऐसा ही होना था। आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो, जिससे सामने वाला आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेगा, और मैं श्योर हूं ये वीडियो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट समझने में मदद करेगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, गेट कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। आपको अपने इमोशंस पर काबू करना आना ही चाहिए। अक्सर हम किसी को प्यार का एहसास दिलाते वक्त या दोस्ती निभाते वक्त ये भूल जाते हैं कि सामने वाले की नजरों में हमारी कुछ अहमियत है भी या नहीं। हम अपनी तरफ से तो लगे होते हैं पूरे एफर्ट्स लगाने में कि हमारे साथ रहे, हमें समझे, पर सामने वाला किसी और को ही अपना सारा टाइम देने में लगा होता है। देखो यार, सिचुएशन कोई भी हो, आपको किसी भी हाल में अपने इमोशंस नहीं खोने चाहिए। ना तो आपको किसी के दुख में रोना चाहिए, ना ही किसी को खुश रखने के एफर्ट्स लगाने चाहिए। पहले आप ये देखो सामने वाला आपको कितना तवज्जो दे रहा है, वो आपको समझ भी रहा है या नहीं। अगर आपको किसी से प्यार है, किसी से नफरत है, किसी सिचुएशन में सैड हो, किसी सिचुएशन में आप बहुत खुश हो, हर एक सिचुएशन में अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। किसी भी सिचुएशन में बह जाना सामने वाले की नजरों में आपकी ऐसी इमेज बना देता है कि उन्हें लगता है कि इसका हमेशा का ऐसा ही है। जबकि आप ज्यादा हंसते नहीं, और किसी दिन कभी जब लोग आपको किसी बात पर बहुत खुश देखते हैं तो ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने आपको सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ देखा होता है। इसलिए हर इमोशंस में खुद को संभालना आना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों, स्टॉप क्वाइटिंग व्हेन इट्स हार्ड। मतलब कोई भी काम जो लोगों को लगता है आप नहीं कर सकते, उस काम में अपना 100% दो, ताकि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। लोग हर वक्त उस काम को नामुमकिन बोलते हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। आप किसी भी ऐसे बंदे को पूछो जिसे स्विमिंग नहीं आती हो, वो स्विमिंग को बहुत मुश्किल बताएगा। आपको जो भी काम करना है ना यार, उसका डिस्कस उन लोगों से कभी मत करना जिनका उस काम से कोई लेना देना ही ना हो। वो तुम्हें बताएंगे तो कुछ भी नहीं, बल्कि तुम्हें और उस काम से भटकाने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन कभी भी नहीं होता, और मुश्किल भी सिर्फ तब तक होता है जब तक उस काम को करने में आपने पहला कदम नहीं बढ़ाया होता। आप जैसे जैसे मंजिल के रास्तों पर चलना शुरू करोगे, रास्ते के कंकड़ खुद ही साइड होने लगेंगे, और पीछे पीछे लोगों के आने से काफिला खुद बनता चला जाएगा। इसके बाद है, व्हेन यू से यू आर गोइंग टू समथिंग, डू इट। मतलब उन चीजों से कभी पीछे मत हटो जो तुमने बोली हो। अगर गलत बोला है तो उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो, और कुछ अच्छा बोला है तो उसे दोहराओ, और अगर कुछ करने की बात बोली है तो बस कर दो। आपका ऐसा करना किसी को भी इंप्रेस कर सकता है। आपका एटीट्यूड, आपको खुद को प्रेजेंट करना आपकी ताकत को बढ़ावा देता है, और दुनिया हर उन लोगों की फैन होती है जिनमें कुछ कर दिखाने की ताकत होती है। आपकी किस्मत आपको बार बार ऐसे मुकाम पर लेकर जाएगी जहां आपकी रिस्पेक्ट पर बात आएगी, जहां आपको लगेगा कि अब ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर उस जगह को तुरंत छोड़ देना, क्योंकि खुद के ऊपर आई बात को अगर आपने इग्नोर किया तो यह आपकी आदत बन जाएगी, और फिर लोग हंसी मजाक में भी आपको ऐसी बातें बोलने लगेंगे जो आपकी रिस्पेक्ट पर धब्बा बनेगी। इसलिए इससे पहले कि उनकी कही बात आप पर तीर की तरह लगे, उन तीरों को ही तोड़ दो, ताकि उनके पास कोई ऑप्शन ही ना रहे आपको कुछ कहने का। दोस्तों, आई होप आपको इन बातों से सेल्फ रिस्पेक्ट समझ आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो। इसके साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।